Hey guys, my name is Yash. Hi guys, my name is Priyanka. And together we are The Authentic Indian. Welcome back to our channel and welcome back to our new vlog. Yes. And finally, आज घर का vlog नहीं बन रहा है. और आज हम I think इंडिया से वापस आने के बाद पहली बार कहीं घूमने निकले हैं. मतलब प्रॉपर, मतलब जैसे हम पहले जाते थे वैसे हमारा ये ट्रेवल व्लॉग है. आज हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. तो जितने भी लोग रिसेंटली बेल्जियम में आए हैं या जो पहले से बेल्जियम में रह रहे हैं, आज हम लोग एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे. अगर आपका भी मन है कहीं वन डे ट्रिप पे निकलने का, तो आई थिंक आप देख लेना व्लॉग कैसा जाता है. हम भी एक्सप्लोर ही करेंगे बेसिकली. तो भाई साहब, आपको बता दूं, तो आज हम जा रहे हैं ड्यूइसबर्ग, जो कि जर्मनी में है. ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से सिर्फ जो है 1 hour 45 minutes की ड्राइव है. Yes. तो ज्यादा कोई लंबा ड्राइव नहीं है. तो भाई बेसिकली अभी हम वहाँ जाएंगे, हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ लास्ट वीक के रिव्यूज चेक किए थे उसके उस जगह के, जो आपको फर्स्ट उस व्लॉग में आगे जाके पता चलेगा कि रेनोवेशन वगैरह चल रही थी, बट इस वीक शायद ओपन है. ऑनलाइन तो ओपन ही दिखा रहा है, तो वो चीज वहीं जाके देखेंगे. अभी उनको कॉल भी कर लेंगे हम कार में. तो ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली फॉर द किड्स. आप अपने बच्चों के साथ भी वहाँ पे जा सकते हैं. Yes. तो व्लॉग में बने रहें. ऑफ कोर्स हम ड्यूइसबर्ग तो एक्सप्लोर करेंगे ही करेंगे, और प्लस में वहाँ पे जो स्पेशल चीज दिखा रहे हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखा भी देंगे. ठीक है, तो अभी हम जाएंगे कपूर फैमिली के घर. हम साथ में एक ही कार में निकलेंगे, बिकॉज दो दो कार लेके जाना सेंस नहीं बनता. हाँ. तो फटाफट वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको आगे का पूरा जो है ड्यूइसबर्ग की अपनी जर्नी दिखाते हैं, जो हमारा आज का ये ट्रिप है. ठीक है, तो आगे व्लॉग में बने रहें. इफ यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, प्लीज. चलो मिलते हैं आपको बाद में. Our first destination in Duisburg is the Duisburg Zoo. तो अभी हम यहाँ पे आए हैं. Of course, यहाँ पे जो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे, पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है. तो इनकी पार्किंग फीस जो है वो है 4 euros, और जो एंट्री फीस है फैमिली के लिए, जिसमें 2 adults आते हैं और एक बच्चा आता है 3 से 17 साल का, उसकी जो टोटल एंट्री फी है वो है 43 euros. और अगर आप इंडिविजुअल एडल्ट की फी देखते हैं तो वो होती है 17.5 euros. तो जैसे हम दोनों की 35 euros हो जाएगी बेसिकली. लेकिन यहाँ पे हम एक ही चीज़ के लिए आए हैं, जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्शन है, जो कि है डॉल्फिन शो. हमने अभी तक एक भी डॉल्फिन शो आज तक नहीं देखा है. ठीक है, तो अभी चलते हैं अंदर. क्यू बहुत लंबी है, और आपको थोड़ा वो जो भी अच्छा दिखेगा, सारा जू तो नहीं दिखाएंगे. अगर आप बच्चों के साथ आना चाहते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सही जगह उनके लिए. अंदर चलते हैं, साथ में ही दिखाते हैं आपको. ठीक है, हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे. लेट्स गो. सो भाई, एज वी वर टेलिंग यू, दीज आर द प्राइस लिस्ट. तो इंडिविजुअल का ये है 17.5, और अगर आपको फैमिली के साथ लेना है तो 2 adults and 1 kid is 43 euros, और एक्स्ट्रा अगर लेना है किड का तो 9-10 euros का एक्स्ट्रा पड़ता है. तो दिस इज द प्राइस लिस्ट टू एंटर इनसाइड द जू. एंड गाइस, डॉल्फिन शोज के बारे में जो बता रहे थे, उसकी सिर्फ ये टाइमिंग है 11:30, 2:30 and 4 o'clock. तो अपना टाइम देख के आए. और ये इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे भी नहीं है. हाँ, वेबसाइट पे नहीं थी इन्फॉर्मेशन. हाँ, ये हमने चेक करी. एंड दिस इज द एंट्रेंस. जैसे कि आपको बताया था कि डॉल्फिन शो के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई टाइमिंग लिखी नहीं हुई है. तो अभी 11:30 पे शो है, अभी बज रहे हैं 11. हाँ. तो फटाफट भागते हैं वहाँ पे. एक्चुअली हम वहीं सबसे मेन देखने आए थे, सबसे पहले उसी के दर्शन होंगे. ठीक है, बाकी सब तो हम बाद में भी देख सकते हैं. हाँ. वो शो मिस हो गया. मतलब मेरे को एक्चुअली सही बताऊँ तो मेरे को जू में इतना इंटरेस्ट नहीं था, जितना कि मेरे को डॉल्फिन ये मैंने लाइव कभी नहीं देखे हैं, तो मैं वो देखने आया हूँ. ऊपर से छलांगे मार रही है, अभी इसके ऊपर से जाएंगी. भाई ये बहुत गोल फिर आ गई, पर ये बहुत ऊंची है. अच्छा, सारी बॉल्स लेके आ रहा है, पर ये बहुत ऊंचा नहीं है. ये इतनी ऊपर चली जाती है, ये तो छलांग मार के हमारे ऊपर भी आ जाए. भाई शो इज ओवर. नहीं, पर पैसा वसूल शो है. जो बोलते हैं कि बेकार है वो भी. 17 यूरो में सिर्फ ये भी अच्छा था. हाँ, 15 यूरो के लिए
पैसे वसूल हो गए नहीं। अरे तो तहलका मचाने में आ गई है भाई, हो गई तुम गिली। अरे भाई पीछे प्रियंका पीछे आ जाओ। अरे भाई ये तो पानी पानी कर रही हैं। ये देखो ये देखो फीलिंग भी ले ली वैसे। मैं तो फीलिंग ले ली, मैं हर चीज एंजॉय करती हूँ। हेलो हेलो हाउ आर यू। जैसी प्रियंका की तो फाइनली वी आर आउट ऑफ जू। जू का हमारा खत्म हो गया। ऑफकोर्स हमने सब कुछ नहीं दिखाया बिकॉज जू मोस्टली लोगों ने देखा होता है, बट डॉल्फिन वाला कुछ अलग था तो हम लोगों ने दिखा दिया आपको शॉर्ट्स में। तो अभी हम जा रहे हैं ड्यूसबर्ग में ही दूसरी जगह पे, वो भी यहाँ का एक फेमस पॉइंट है। ठीक है, वो वहाँ जाके फिर आपको बताते हैं कि पर, क्या है वो। ये वाले जू में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो आओ तो आप आराम से टाइम निकाल के आना पूरा दिन का। मतलब अगर आप बच्चों के साथ हो तो आई थिंक पूरा दिन भी स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि हमने कुछ कुछ एनिमल्स या मैमल्स जो है वो छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखे हुए थे। पर यहाँ पे एक्वेरियम भी बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा था, नाइस था, इट वाज नाइस। तो गाइस अभी हम जहाँ खड़े हैं उस जगह को बोलते हैं लैंड शाफ्ट पार्क। एक्चुअली में ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे आज से 30 साल पहले कोल और स्टील की बहुत सारी फैक्ट्रीज थी जो कि एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से क्लोज कर दी गई थी, पर उन्होंने बाद में मतलब दे वांटेड टू स्टिल शो द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो कुछ ऐसा सा इसका बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री यार आप देख सकते हैं मेरे पीछे, दे वांटेड कि इसकी हिस्ट्री हमेशा रहे। तो बेसिकली वो हिस्ट्री दिखाने के लिए उसने इसको डेमोलिश नहीं करा है, और अभी विजिटेशन पार्क है। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे, यू कैन गो इनसाइड, यू कैन गो अप। तो हम भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या। और काफी सही सही बिल्डिंग है, मतलब मैंने वहाँ पे पीछे फोटो देखी थी तो मतलब स्ट्रक्चर वाइज काफी तगड़ा बना रखा था। तो अभी आपको भी साथ साथ दिखाते हैं, थोड़े ग्लिम्स देते हैं बेसिकली। हाँ, थोड़ा हम भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप ड्यूसबर्ग आ रहे हो तो आप पूरा दिन अपना अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। अभी एक और भी है चीज यहाँ पे, अभी देखते हैं अगर टाइम लगेगा तो वहाँ भी जाएंगे और वो दिखाएंगे, सनसेट भी देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम भी ऊपर जाएंगे कुछ देखने के लिए क्या। हाँ मतलब बेसिकली प्लांट्स ही थे, अब ऊपर जाके देखो एक्सप्लोर करो कैसे बने हुए हैं। बट एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा है कि भाई पहले कैसे होता था, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी। हाँ होता था, अभी मतलब ये बंद हो गई है। तो खैर तो आप अंदर आके देख सकते हो। पर्सनली मैंने हम एक्चुअली एक ही में आए हैं लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ पर मैंने कभी इतनी बड़ी स्टील या कोई भी इंडस्ट्रियल अंदर से नहीं देखी है, तो मतलब तुम बहुत क्लोजली देख सकते हो। इसी वजह से उन्होंने इसको डेमोलिश नहीं करा एंड इट इज ओपन फॉर पब्लिक, सो यू कैन कम, यू कैन टीच योर किड्स पुराने जमाने में कैसे सामान होता था, कैसे चीजें बनती थी। तो पहले मुझे सांस लेने दे। और ये आज की हमारी दिन की थर्ड डेस्टिनेशन है। सुबह हम गए थे जू, ड्यूसबर्ग जू, उसके बाद हम लोग गए थे इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बाद हम लोग आए हैं टाइगर एंड टर्टल। मुझे नहीं पता इसका नाम टाइगर एंड टर्टल क्यों है, बट आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई रोलर कोस्टर है, बट ये कोई रोलर कोस्टर नहीं है, ये सीढ़ियों का रोलर कोस्टर बना रखा है एंड यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन इट। तो कुछ सीढ़ियाँ बस फैंसी हैं जिनके ऊपर आप चल नहीं सकते हो, बट कुछ के ऊपर आप चल सकते हो। और देखो मेरी सांस फूली हुई है और मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अभी हम पास से चल के देखते हैं और थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का भी ट्राई करें। और ये मतलब ड्यूसबर्ग एक दिन के लिए बहुत ट्रिप है, मतलब आने के लिए काफी, मतलब 2-3 चीजें हैं यहाँ देखने के लिए। यू कैन आल्सो एंजॉय द सनसेट एयर। दुनिया का पहला रोलर कोस्टर जिसपे आपको बैठना नहीं है, जिसपे आपको चलना है। तो कुछ तो अलग बनाया है एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट फोटोग्राफ प्लेस रिसेंटली, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोज क्लिक करी जाती है अभी अगर हम रिसेंट डेटा देखें तो। पी एम है टॉप पे टाइगर एंड टर्टल के, पहुंच गए फाइनली। ये देखो तो ये टॉप व्यू है टाइगर एंड टर्टल का, और ये रोलर कोस्टर का ऊपर वाला पार्ट जाम चल नहीं सकते ऑफ कोर्स। दिस इज द पार्ट वेयर वी कांट वॉक,
ऊपर से व्यू बट गजब आ रहा है भाई। तो भाई फाइनली हमारा जो है ड्यूसबर्ग का ट्रिप खत्म होता है यहाँ पे। yes. और अब काफी सही था मतलब एक दिन के लिए। बहुत थक चुके। अब जाएंगे घर, घर जाके करेंगे थोड़ा रेस्ट। तो पहुँचते पहुँचते अभी टाइम भी लगे, 2 घंटे का रास्ता था आई थिंक बेल्जियम से मतलब हमारे घर से। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मतलब ये वन डे ट्रिप बहुत सही है अपने बच्चों के साथ ही, और आप मतलब अगर इंडिविजुअली भी वैसे आना चाहते हैं तो आ सकते हो, मतलब सही ट्रिप है काफ़ी। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हमें भी बहुत टाइम बाद बाहर निकल के बहुत अच्छा लगा। हम हाउस के साथ ही आजकल बहुत बिजी रहते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा था। और थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने हमें कारपेट की जगहों के लिए सजेशन दिए। विल श्योरली ट्राई टू गो टू दोस प्लेसेज एंड लुक फॉर कर्टेंस। बट थैंक यू। हाँ थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।